अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मुबीन जानू टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कैपकट की एक्सपोर्ट वाली प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी वीडियो एडिट करते हैं, जब एडिट कर लेते हैं उसके बाद जब एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो एक्सपोर्ट में एरर आ जाता है, उसमें आपकी कुछ परसेंटेज आगे बढ़ती है, उसके बाद आपका मोबाइल या तो ऑफ हो जाता है या वहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे रुक जाती है, कुछ ही परसेंट के बाद यहाँ रुक जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मैटर है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस तरह बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने मोबाइल से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, तो यहां पे मैं ओल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे टैप कर लेता हूं। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से एडिट की है, अभी इसको मैं ऐसे सेव करना चाहता हूं कि रेजोल्यूशन को बढ़ा देता हूं। उसके बाद मैं एरो वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूं। यहां पे जैसे मैं एक्सपोर्टिंग के लिए जाता हूं, तो यहां पे काफी ज्यादा टाइम भी लगाता है, उसके अलावा अगर थोड़ी सी भी परसेंट बढ़ती है तो यहां पे आके रुक जाता है, तो इससे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है और हमारा टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट होता है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मैटर है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इसको मैं अभी फिलहाल पैक करता हूं। तो इसके लिए दोस्तों, पहला काम आपने क्या करना है, कैपकट को अपने प्ले स्टोर या किसी भी ऐप स्टोर से अपडेट कर लेना है। इसको आपने पहले अपडेट लाजमी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ, इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। आप भी इसको एक बार लाजमी अपडेट कर लेगा। जब अपडेट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो जैसे ही कैपकट एप्लीकेशन अपडेट हो जाती है तो यहाँ पे आपने प्ले स्टोर को बैक कर लेना है और यहाँ से आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप मोबाइल सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डेवलपर ऑप्शन को ढूंढ लेना है। कुछ मोबाइलों की एडिशनल सेटिंग में होता है और सैमसंग के मोबाइलों में कैसे ऑन करते हैं वो आपको पता ही होगा कि बिल्ड नंबर को 7 बार टाइप करने से डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन को ऐड कर लिया है। तो अभी हम डेवलपर ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप करेंगे। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है एंड पे। तो यहाँ पे आपने तीन मेन सेटिंग करनी है। यहाँ से इस पेज को आपने स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज शो क्रैश डायलॉग, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है शो हार्डवेयर लेयर अपडेट्स, इस ऑप्शन को भी आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफिक ड्राइवर और कुछ मोबाइलों में लिखा हुआ ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कैपकट, तो आपने कैपकट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। अगर ये डिफॉल्ट है तो यहाँ पे आपने सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कैच, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको क्लियर कर लेना है। तो अभी मैं उसी पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करता हूँ जिसकी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। तो अभी ये देखें, अभी यह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। तो ये था दोस्तों सिंपल मैटर जिसके जरिए आप अपने कैपकट की एक्सपोर्ट वाली प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना है। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी तरह मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही, अब दोबारा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।